रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज जो है मैं आपको पंजाब के जो पहले से आज से तकरीबन 10-20 साल पहले के जो रंग थे, पंजाबी देसी रंग जो है वो मैं आज आपको दिखाने की भरपूर कोशिश करूंगा। और वीडियो को स्किप करने से पहले वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इंशाअल्लाह जरूर मजा आएगा। आज का व्लॉग जो है वो इसी टॉपिक पर मैंने बनाया है कि पंजाब के देसी रंग जो थे। तो आए गाइस चलते हैं, फिर मैं आपको पंजाब के देसी रंग दिखाता हूँ। पीछे तुम देख रहे किस तरह सरसों के जो बीज ने, सरसों का जरा साथ देख सकते हो पीछे, माशाला कितना ही खूबसूरत व्यू है माशाला अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुझे ये अल्लाह ताला ने फिर ये मौका दिया कि मैं इस तरह का व्यू जो है वो देख सकूँ, आप देखें और आपको भी दिखा सकूँ। देखें गाँव की लाइफ जो है, गाँव की पैली है, गाँव को जो खेत है हरे बड़े कैसे हैं माशाला। तो मैं हूं जाना पे उस मेले की तरफ, तो मैं तुम्हें उस मेला दिखा सकता पिछे शहर बिरकों का व्यू जरा दिखा सकता। शहर बिरका के जो खेत ने जिस तरह हरे बड़े ने माशाला। शहर बिरका एक गाँव है, बहुत ही खूबसूरत गाँव है। ज़्यादातर इतने जट बलादरी जी बिलोंग करती है, जट के अराई बलादरी ज़्यादातर इतने लोग रहते हैं जटा के। मैं तुम अगर दिखा सकता तो मेले का लगा होया। सामने जी मेला लगा होया, मेला दशने बहारा का, चेक कर सकते हो पिंड का छोटा जहा मेला। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं आज आपको जिस जगह लिख रहा हूँ आप पीछे देख सकते हैं, ये किसी गांव नौशहरे विरका कामों की तहसील, छोटा सा गांव है नौशहरे विरका। मैं आपको नौशहरे विरका गांव में लेकर आया हूँ। तो इधर एक मेला लगा हुआ है, तो मैंने सोचा चले मेले की थोड़ी सी कवरेज हो जाए तो मेले का मैं आपको दिखा सकूँ कि मेला जो है पहले के मेले कैसे होते थे, वो आजकल के जो मेले हैं वो कैसे होते हैं। हाँ जी भाई जान, ठीक हो पहले तो मेलिया के हजे भी पिंडा थान जे ने कल्चर जरा हजे भी बिल्कुल चलता पे वे, किस तरह झूले लगे हुए ने, बच्चे इंजॉय करते पे ने। बच्चे वेखो जी खड़ौने लैन आए ने, किन्ने किन्ने का लेंदे पे पुत्र? 100 रुपए का। हाथ घट कर यार, इमरान खान की वजह तू है, इमरान खान ने की आख्या महंगा बेचो। बस सही है, वेखो जी किवें लुट मार लाइए, न्याणे वेख के किवें लुटता पे उन्होंने। ठीक है पिछे देख सकते हो मेला लगा हुआ जनाब, ये जनाब देखिए सेल लगी हुई है इधर चीजें वगैरह की, 100 रुपये 100 रुपये। मेला विखाने का मकसद ये थानू कि जे पंजाब के देसी जे रंग हैं तुहानू उन्हां दे उजागर करन वास्ते बखाना पिया वा, जिस तरह पंजाब दे मेले लगदे हुंदे सन, किस तरह जशन वगैरह अदे ही भुल्ले लगे होंगे देख सकते हो। तो मेले की जिहड़ी शान जिहड़ी रौनक हुंदी ओह ऐ चीज़ उहनू की कहिंदे भाई तुसीं? कलम्मा। कलम्मा जी ऐ कदों तैयार हुंदा है?
मेदा बेसन वगैरह सारा मिक्स करके इतना लंबा बनाते हो तुम हर मेले से जाते हो मेले की जी मैं फिर तुम दस दवा तो मेले की जो खास जी होंगी है डिश जी होंगी है तमंगा ए चीज़ भी दिया जाता खूना ए की चीज़ के नाल मिठे पकौड़े वो जी है मिठे पकौड़े जे ठीक है मेलिया की भी होगा खास और जनाब जलेब लगे हुए हैं ए की भाई जान लुंगड़ी टांगड़ी टांगड़ी ए भाई गुजरात की डिश है ये जी गुजराती टांगड़ी है इधर पकौड़े नान स्टॉन पलते पे भाई तो जी हाँ मौसम जरा मौसम जरा सर्दी है तो फूजे का जरा निजाम है फूजा वेसा जो फूजा भी लगा हुआ है जूस भी लगे हुए हैं मेलिया वास्ते इधर पढ़ोने वगैरह भाई पढ़ोने बर्गर शर्गर भी लगे हुए पिछले जिले ने बहुत ज़्यादा इंजॉय करते पे वेसा जो तुम भाई को मत मार रहे हैं पिछे उछन पैटर्न वाला झूले ला रहे भाई जी लो भाई झूले पिछले भाई जी ने झूले ला रहे हैं टप्पल टपाण वाले ये पंजाब की स्पैशल जी रौनक मेले होंगे पंजाबा के पंजाब के खास तौर उधर चंगा भला सियाना भाई जरा पागल हो गया चंगा भला बंदा झूले लेंदे फिर टप्पल टपाण क्या बात है क्या बात है जी पंजाब का जमाना क्या बात है तेरी क्या बात है जी मेला जरा मेला पंजाबी खास जी रौनक होंगी मेला हर मेले में बच्चे जो बच्चिया भी लाना लगे हैं बच्चे जो खिलौने ला रहे क्योंकि अज का जरा सा मकसद है वीडियो बना सिर्फ ये वे कि पंजाब की पंजाब को दसना जो पंजाबी ने मुंडे खास तौर जो घर बैठे हुए हैं गेम शेवों के ध्यान लगे हुए हैं उन्होंने मुसलका वे कि मेले जे होंगे कभी पहला कभी पंजाब की खास रौनक होंगे सन तो मेले शान होंगे ने पंजाब की पंजाबी लोगों की इतों पहचाना जाता जी पंजाब तो हूँ वो गल् नहीं रही है जो मोबाइल आ गए नैट आ गया हर बंदा घर बह के पबजी वगैरह गेम शेम खेलता रहा अपने न्याणियों बहर क्डो योजना खेडा लगा उन्होंने कि उन्होंने इलम से इजाफा होोजी खेडा होंगे आई हूँ मैं एक स्टॉल से आया हाँ बच्चों वास्ते अपने बच्चों वास्ते भी खिलौने मिली इन्हों को ये मैंने अपनी छोटी सी गुड़िया ने यहाँ बतूल के लिए लिया है आपको पता ही है जैसे कि यहाँ बतूल है छुट्टी छुट्टी नहीं आया कोई यार तोड़ देंगे ना बच्चे बड़ी गाड़ी बड़ी गुड़िया बड़ा दे है भी देखा गुड़िया भी दे नहीं हाथ रखा है मैं देखा है क्या है क्या है इधर देख ली अरबी घोड़े लगे हुए भाई जान भाई जान ये किन्नी कीमत है अरबी की 1200 रुपया
जी मेले जो पहले लगते होंगे सन दसा का मकसद ये कि पहले मेलिया च सस्ती चीज लगती दूसरी भाइयों का रेट पुछने किन्ने का भाई ए जी 250 का जो जरा कभी 150 रुपये का मिलता होंगे सी ए गुड्डी किन्ने की है लगी है प्लास्टिक की गुड्डी है 550 की जी जाकर न्याण ने बाद खर्च दे देना लो जी 350 का भाई जी कहने जरूर इमरान खान आया तो महंगाई बड़ी हो गई है इमरान खान ये नहीं आखा चीजा महंगा बेचो इधर देखो जी हर एक शायद जी 100 रुपए खिलौने किसी पैकेट दे 3 खिलौने एक वाली चिड़िया बड़ी जीप बड़ी ट्रैक्टर ट्राली सेल 100 रुपए टच मोबाइल बड़ी गुड़िया खिलौने का टच मोबाइल भी जो 100 रुपए का तो जिन्हें लाना है टच मोबाइल 25,000 रुपए का इतों आके 100 रुपए का लै बच्चे लाए हुए जी लेकिन सारे जलेब खाओ जी भाई ए कि कहता मैं उर्तुगल गाजी हाँ उर्तुगल गाजी वास्ते तलवार है मेले भाई को दस्तियाब है जिन्हें लैनी हो भाई ना रबता कर सकता कि तलवार है उर्तुगल गाजी की 250 की थोड़ी मुहब्बत है बच्चे ना रबता कर सकते हो नौशहरे दिखा रोड दस्ते हैं मेला लगा हुआ बेसन से मेला ये सन जी साढ़े पंजाब के देसी रंग उम्मीद करना कि अज का ब्लॉग तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और कमेंट्स में जरूर बताया करें कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा शुक्रिया।